हरिओं सुप्रभात अहम शरणनाथ त्रिपाठी व्याख्याता राजकीय लक्ष्मीनाथ शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय चीथवाड़ी स्थे जयपुर अद्धम शास्त्री द्वितयर्ष से प्रथम पत्रे गर्भसंधे स्वूप तदंगा च पठिष्यामः आचार्य विश्वनाथ साहित्यदर्पणे गर्भसंधि लक्ष्यय फल प्रधानोपायुद्भिन्न से किंचन गर्भो येदो अत्र फलस्य गर्भीकरण गर्भ इतुच्य क्योंकि यहाँ पर फल को अपने गर्भ में रखा जाता है प्रकट नहीं किया जाता तो इसका अभिप्राय कि फल प्रधान उपाय से फल का जो प्रधान उपाय है यानी बीज रूप प्राग उद्भिन्न से किंचन जो पहले प्रमुख संधि में थोड़ा सा प्रकट हो चुका है उसका उद्भेद हो चुका है तो उसका जो और आगे समुद्भेद रास और अन्वेषण ये तीनों मुँहों यानी बार बार जहाँ बार बार समुद्भेद होगा पर ह्रास होगा और फिर अन्वेषण भी होगा इस प्रकार की स्थिति जहाँ बनती है उसे कहते हैं गर्भसंधि इस रत्नावली के द्वितीय अंक में रत्नावली नाटिका के द्वितीय अंक में सुसंगता कहती है सखी अद अदक्षिणे दानीम एवं भर्त हस्तेन गृहीता कूपम न मुंचसी यहाँ पर तो हो गया समुद्भेद और फिर पुनर्वासुदत्ता प्रवेश ह्रासन पुनर वासुदत्ता प्रवेश कर गई तो उसका वहाँ पर रास हो गया उक्षीण हो गया वो और तृतीय अंक तद्वातान्वेषणा गतः कथम चियति बसंत उनका समाचार लाने के लिए अन्वेषण करने के लिए गया है बसंतक और देर लगा रहा है ये अन्वेषण हो गया इसी प्रकार से बार बार होता है तो ये गर्भसंधि का स्वरूप यहाँ पर बनता है इस गर्भसंधि के अंग होते हैं अस्र्भसंधे तयोदशांगा तानी मान सकती अभूताहरण मार्गो रूपोदाणे क्रम संग्रहश्चा अनुमान त्रोटकाधिबलोदेगा गर्भे सुर विद्रवस्तथा था ये जो तेरह अंग हैं इसके देखिए गर्भसंधि के अभूताहरण मार्ग रूप उदाहरण क्रम संग्रह अनुमान प्रार्थना क्षिप्ति त्रोटक अथवा तोटक अधिबल उद्वेग और विद्रव इस प्रकार से ये नाम हैं इनके तेरह अंगों के पहला जो यहाँ अंग है अभूताहरण का उसका लक्षण देखें त्र व्याजाश्रम वाक्यमूता मत व्याजाश्र किसी ब्याज कोई बहाना लेकर के बहाने का आश्रय लेकर के अगर कोई वाक्य बोला जाता है तो उसे अभूताहरण नामक अंग कहेंगे इस संधि का यथा अश्वत्था के वेणी संहारे में तो अश्वत्थामा हत इति प्रथा सोनुना स्पष्ट मुक्त स्वैरम गज इति पुनर्व्याहृत सत्यवाचा तत्श्रुवा असौ दयित तनय प्रतया तर राज श्राण्याजौ नयन सलि चाप्त तोल्य बुमोच अश्वत्था मारा गया ये बात प्रथा सोनू ना प्रथा सोनु प्रथा कुंती के पुत्र युशि के द्वारा स्पष्टम मुक्त स्पष्ट ये कहा गया कि अश्वत्थामा हाथा मारा गया और स्वैरम शेषे गजित शेष जो गज कहना था उसको थोड़ा अस्पष्टवाणी में बोल दिया पुनर्व्याहृत सत्यवाचा सत्यवादी धिष्ठिर के द्वारा बोला गया तत्श्रुवा असौ उसको सुनकर के असौ असो कह द्रोणाचार्य है दयित तनय उनको अपने और पुत्र से अत्यधिक प्रेम था पुत्र से प्रेम करने वाले प्रत्यत तस्राज्ञ तज्ञ है धिषर से, से, से प्रत्ययात विश्वासात्म पर तो विश्वास था कि झूठ नहीं बोलेंगे इसलिए शस्त्राण्याज आजौ शस्त्राणी और नयन सलिलम चापे युद्धभूमि में आजौ अर्थात युद्धभूमौ युद्धे शस्त्री शस्त्रों का भी त्याग कर दिया और ने नेत्रों से जल का भी त्याग कर दिया अर्थात आंसू भी बहाए ये ब्याज से युक्त वाक्य था जो युधिष्ठिर ने बोला है बहाना नहीं छल पूर्वक ये वाक्य बोला गया पहले स्पष्ट कहा कि अश्वत्थामा मारा गया है और फिर फिर थोड़े थोड़े अस्पष्ट वाणी में बोला कि गजई थी हाथी मारा गया है वहाँ पर अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र का भी नाम है और द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा जिस हाथी पर बैठ करके युद्ध कर रहे हैं उसका नाम ही अश्वत्थामा था उसको भी मैंने दूर और उत्क्षेपण करके फेंक करके और फिर जब उसकी मृत्यु हो गई तो फिर ये फैला दिया कि अश्वत्थामा मारा गया और प्रतिज्ञा थी द्रोणाचार्य की कि यदि उनके पुत्र का वध हो जाता है तो वो शत्रुओं का परित्याग कर देंगे और इनके शस्त्र परित्याग किए बिना पांडवों की जीत असंभव थी तो फिर ये भगवान कृष्ण के द्वारा ये उपाय किया गया था अगला है मार्ग नामक अंग तत्वा कथनम मार्ग वास्तविकता यानी जो सत्य है उसको कह देना मार्ग है जैसे चंड नाटक में राजा कहता है भगवन् गृह्यताजितदम भारिया तनय विक्रयात शेषस्या चंडाले प्यात्म विक्रयम कहते हैं हे भगवन् हे मुने विश्वामित्र से कहते हैं कि भार्या तनय विक्रयात अर्जतम इदम धनम गृह्यता पत्नी और पुत्र को बेचने से अर्जित किया गया प्राप्त किया गया धन आप ग्रहण कीजिए जो दक्षिणा देने की बात कही थी शेष से अर्थ है जो शेष बचा हुआ धन है जो दक्षिणा का उसके लिए चंडाले अपे आत्मविक्रयम करिष्या चंडाल के पास भी स्वयं का विक्रय कर दूंगा स्वयं को बेच दूंगा यहाँ पर वास्तविक बात उन्होंने बोल दी है तुवार्थ बात बोल दी ये मार्ग नामक और अंग हुआ अगला है रूप तो रूपम वाक्यम वितर्कवत जहाँ तर्क पूर्ण बात तो कही जाती है वितर्कयुक्त तो कोई वचन कहा जाता है तो उसे रूप कहते हैं जैसे यथा रत्नावल्याम रत्नावली नाटिका में राजा कहता है मन प्रकृतिव चलम दुर्लक्षम च तथापि में कामे नहीं तत्कम विद्धम समम सर्वे शिली मुख ही यहाँ एक तर्क देते हुए तर्कपूर्ण वाक्य कह रहे हैं कि मन प्रकृति जो मन है वो स्वभाव से ही चंचल होता है और दुर्लक्षम च और दुर्लक्ष यानी उसका भेद पाना बड़ा कठिन है इतना चंचल है कि उसका कोई निशाना लगा ले बड़ा दुर्लक्षम हुं? दुखे न लक्ष्य तुम योग्यम इस प्रकार का मन है जन कामे ने तत् कथम विद्धम समम सर्वे शिली मुख कहते फिर कामदेव ने सर्व शिली मुखई समम कथम विद्धम एक साथ सारे ही बाणों से कामदेव के पांच बाण शिली मुख यानी बाण शिली मुख का अर्थ बाण होता है और शिली मुख का अर्थ भौरा भी होता है यहाँ बाण अर्थ है कि कामदेव ने एतत तना इस मन को समस्त बाणों से एक साथ कैसे बीत दिया अगला उदाहरण उदाहरण उत्कर्षयुक्त वचन मुच्च्य अजय ऊपर वाले उदाहरण में मतलब तर्क किया है कि ऐसा था पर ऐसा कैसे हो गया मित्रयुक्त वचन है इसलिए रूप का उदाहरण है उदाहरण का अभी उदाहरण अंग का लक्षण उदाहरण उत्कर्षयुक्तम वचन मुच्च्य उत्कर्ष पूर्ण जो वचन है हैं किसी अपने विषय में था दूसरे के विषय में उत्कर्ष पूर्ण वचन को और उदाहरण कहते हैं जैसे अश्वत्थाक में कि यो यह शस्त्र विवर्ति स्वभुजगुरमद पांडवीना चमूनाम अश्वत्था कहते हैं मेरे नाटक में यो यह यूय पांचा लोत्रे शिशुरधया गर्भशय्या वा यो यत्कर्म साक्षी चरति चरतिमे यतीपह क्रोधाधस्त स्वय जगता मंतकोहम अश्वत्था यहाँ पर स्वयं का उत्कर्ष बता रहे हैं कि पांडवीना चमूनाम पांडवों की सेना में और अपनी भुजाओं के महान अहंकार को जो जो व्यक्ति और अहंकार के साथ शस्त्र धारण करता है और जो भी पांचाल के वंश में द्रुपद के वंश में तो दृश्य दुम्न ने मारा था द्रोणाचार्य को उनके पिता को तो पांचाल के वंश में शिशु छोटा बच्चा अधिक भया अथवा अधिक अवस्था वाला गर्भशियाम गथवा गर्भ में ही गर्भस्थ शिशु क्यों न हो और यो उस सबको इन सबको और यो यश तत्कर्म साक्षी और जिस जिसने उस कर्म को देखा है इन द्रोणाचार्य का वध करते हुए जिस जिसने देखा है उनको रने येश्च येश्च और चरति मयी रणे यश्च यश्चप प्रतिपाह और मयी रणे मेरे युद्ध में जाने पर यश्च यश्च प्रतीपा मयी रणे चरति मेरे युद्ध में जाने पर जो जो व्यक्ति और हमारे विरुद्ध खड़ा होगा क्रोधस् क्रोध से अंधा हुआ मैं उस उसका स्वयं जगताम अंतक से अपने चाहे संसार को नष्ट करने वाला यमराज ही क्यों न नंतक मानी यमराज उसका भी मैं अंतक बन जाऊंगा उसको भी नष्ट करने वाला बन जाऊंगा तो ये उत्कर्षयुक्त वचन है इससे उदाहरण का लक्षण उदाहरण का उदाहरण हुआ अगला क्रम भाव तत्वोपलब्धिस्तु क्रम सहाँ पर दूसरे के अभिप्राय को जान लिया जाए अथवा भविष्य में क्या होने वाला है वहाँ पर कोई निर्णय किया जाए उसे क्रम नामक संदिंग कहते हैं जैसे शकुंतन नाटक में राजा कहता स्थाने खल विस्मृत निमेषेण चक्षुषा प्रियामोकया मैं यहाँ स्थान उचित ही है कि विस्मृत निमेश चक्षुषा मेरे जो नेत्र हैं उनका निमेशपात होना बंद हो गया है पलके गिरनी बंद हो गई हैं तो ये उचित ही है कि मन प्रियतमा को निर्निमेश दृष्टि से देख रहा तथा ही क्योंकि उन्नमित एक नमस्या पदन रचयंत्याल कांचित कथयत मई अनुरागम कपोलेन किसका जो मुख है अस्या आननम के, कैसी है ये पदानि निरचय त्या आगे कदम बढ़ाने वाली उन्नमित एक भ्रूलतम उठा रखा है एक मात्र भ्रूलता को जिसने भूह पर उठा रखी है ऐसी ही सुनाईगा के के अलकांचितेन कपोलेन रोमांच से युक्त से कपोल से गंडस्थल से मई अनुरागम मेरे प्रति इसके अनुराग का प्रकटीकरण हो रहा है अनुराग प्रकट हो रहा है तो यहाँ पर जो है इन्होंने और दूसरे के अभिप्राय को दूसरे की चेष और जो भाव है हृदय का शकुंतला का उसको प्रकट किया है इस क्रम का उदाहरण हुआ अगला है संग्रह नामक अंग संग्रह पुनः सामदानार्थ संपन्न साम और दान से होने वाला स्वामी ने सांतवना सांत्वना करना शांति करना और दान दान भी देना ये जो सामदान और भेद ये जो चार उपाय बताए गए हैं उनमें से साम के द्वारा दानी ने कुछ दे करके तो इनसे होने वाला जो कार्य है वो संग्रह कहा जाता है यथा रत्नावल्याम राजा कहते हैं साधुभयस से इदम ते पारितोषिकम हे मित्र बहुत अच्छे वाह और ये इदम ते पारितोषिक ये आपके लिए पुरस्कार है कटकम ददा देता कह करके और अपना कंकण उतार करके यहाँ से दे देता है तो यहाँ जो है हमने दान दिया उन्होंने अगला है अनुमान लिंगादुहो अनुमानता कारण से कार्य को और अनुमान लगा लेना ये अनुमान नामक अंग है लिंगाद कारण ऊह अन अनुमान कर लेना तर्क कर लेना यथा जानकी राघव नाटके रा कथयति लीला लीलागतर तरंगय तो धरित्रीमालोकनम तो जगता शरांसी तुम्मापय तो कागौरव का सूर्य तनयत्मु्यता च यहाँ पर राम जो है परशुराम के लिए कह रहे हैं कि लीला तरंगय तो धरिम लीलापूर्ण सामान्य गति से भी जो समस्त धरती को हिलाए दे रहे हैं आलोकनैर्नमय तो जगतांश रांशी और अपने दृष्टिमात्र से आलोकन ही दर्शन ही अपने दृष्टिमात्र से संसार के लोगों के शिरों को झुका देने वाले तस्य ऐसे ही न परशुराम के अनुमापयति कांचन कांति गौर का सुवर्ण के समान कांति से युक्त गौरव और शरीर वाले ये सूर्यतनेव ये सूर्यपुत्र हैं और अदृश्यताम जो किसी के द्वारा भी इनका दर्शन इनका जो है पर पराजय नहीं हो सकती इस प्रकार का जो है अनुमान करते हुए राम ने वचन बोला है तो अनुमान नामक अंग हुआ प्रार्थना अगला अंग है रति हर्षोत्सव नाम तो प्रार्थना प्रार्थना भवेत रति हर्ष और उत्सव की प्रार्थना करना याचना करना ये प्रार्थना कहा जाता है जैसे रत्नावली नाटिका में राजा कहते हैं प्रिय सागरी के शीतांशुर्मुख मुत्पले तदृशौ पद्मा करौ ब्रंभस्तम तथोगल बाहू मृणालोपम्लाद कराखिलाभसा निःशंग आलिंग्यं अंगावंगतापधुराण्ये निर्वापय खूब वर्णन करके और कहते हैं कि ओर अनंगतापुरा मम अंगाने है? और निशंक आलिंग्य राम निःशंग आलिंग्य और निर्वापय क्या करो कि इनका जो ताप है उनको आप शांत कर दो है कहते हैं आकर के मेरा आलिंगन करो रत्नावली से कहते हैं कि शीतान मुखम चंद्रमा जैसा तो मुख है उत्पले तब दृशऊ नीलकमल के समान तुम्हारे दोनों नेत्र हैं पद्मानुकारोप करो और कमल के समान तुम्हारे दोनों हाथ हैं ब्रह्मास्तम निभम तो तोरयुगलम और युगल जो है वो केले के स्तंभ ब्रह्मास्तम स्तंभ निभम कदली स्तंभ सदृशम और बाहु मृणालोपमोदारी जो दोनों भोजाएँ हैं वो मृणाल जो कमलनाल होता है तत् सदुर, तत्सद हैं उसके समान हैं इत्याह्लाद करा खला खिलानग संपूर्ण अंगों को आह्लाद युक्त कर देने वाली हे प्रिय सागरिका से कहते आकर के मेरा आलिंगन करो तो ये प्रार्थना नामक अंग है हो तो इसको प्रार्थना, तो प्रार्थना यहाँ पर याचना की गई है क्या करके आलिंगन करो अगला देखें क्षिप्त नामक अंग है रहस्यार्थस्य तद भेदा क्षिप्ति सत्त जो रहस्यात्मक कथानक की जहाँ सूचना की जाती है उसे क्षत्य कहते हैं यथा यथाश्वत्था के बीड़ी संघार नाटके एक सी विपाको यम दारुणो भुगि वर्तते केशव ग्रहे द्वितीय स्मिन नूनम निःशेषिता प्रजा कि एक बार जो केशव ग्रहण किया गया था द्रौपदी के केशों को दुशासन ने और पकड़ करके खींचा था जिसका परिणाम क्या वो इतना बड़ा महाभारत हुआ अब ये दूसरी बार जो द्रोणाचार्य के केशों को पकड़ करके ध्रष्ट ने उनका और शिरच्छेदन किया है सिर को काटा है तो इससे निश्चित रूप ही केश द्वितीय स्विन केशवग्रह इस दूसरे ग्रहण के द्वारा ग्रहण होने पर नूनम प्रजा समस्त जो प्रजा है वो नष्ट हो जाएगी तो ये रहस्यार्थ का यहाँ पर कथन किया जा रहा है ये यश्वत्थमा भाभी जो अश्वत्थमा के विषय में जो चर्चा की गई ये क्षिप्ते है या त्रोटक है त्रोटकम पुनः संधवा और एक क्रोध को पूर्ण जो वचन कहा जाता है उसे त्रोटक कहते हैं जैसे चंड कौशिक नाटक में कौशिक विश्वामित्र कहते हैं आह पुनः कदम अद्यापन संबोधा स्वर्ण दक्षिणा अरे क्या अभी तक स्वर्ण दक्षिणा और पूरी नहीं हो पाई क्रोध पूर्ण वचन बोलते हैं तो ये त्रोटक नामक अंग हुआ ग्यारहवा अंग है अधिबल अधिबलम अभिसंधित छलेन यह छल अभिसंधि जहाँ पर किसी ब्याज से किसी बहाने से किसी अभिप्राय को प्रकट किया का अन्वेषण किया जाता है उसे अधिबल कहते हैं यथा रत्नावल्याम रत्नावली नाटिका में कांचनमाला कहती है भर्तृा चित्रशाले का ये वो चित्रशाला है। तो बसंत से संज्ञान करूं तो मैं जाकर के तक को इशारा करती हूं इसमें जो संध्यंग है वो अधिबल नामक अंग है तो अगला देखें उद्वेग नामक अंग नृपाद जनता भीतर उद्वेगा पर की नृप आदि के द्वारा होने वाला जो उद्वेग है चिंता है भय है वह जो भीत है भय है उसे उद्वेग नामक अंग कहा जाएगा जैसे बेनी संहार में प्राप्ता वेकथारूढ़ो पृछनतो या मित स कर्णारी ही सचक्रोरो वृक ब्रिक कर्मा वृकोदर यहाँ पर दुर्योधन से कहा जा रहा है कि एक ही रथ पर और बैठे हुए और इधर उधर तुम्हारे बारे में पूछते हुए सकर्णारी ही वो कर्ण का शत्रु अर्जुन और क्रू वृक कर्मा और ब्रकोदर जो है डक भेड़ी के समान कर्म करने वाला क्रूर है क्रूर कर्म करने वाला और इधर ही आ रहे हैं आ गए हैं दोनों यहाँ पर भय उत्पन्न करने वाला अभी उनसे भय होने वाला है अर्जुन से और भीम से ति उद्भेद नामक अंग हुआ अंतिम यहाँ अंग है विद्रव नामक अंग शंका भय त्रास कृत संभ्रमो विद्रोह मतः शंका भय और त्रास से होने वाला जो संभ्रम है जो घबराहट है उसे विद्रव कहेंगे जैसे उदाहरण देखें कि कालांतक का करालास्यम क्रोधोद्भूतम दशाननम विलोक्य वान रानी के, के संभ्रमा को प्यतः कालांतक का करालास्यम काल को भी नष्ट करने वाले हुँ? काल को भी नष्ट करने वाले और उसके समान कराले ने भयंकर जो मुख है जिसका ऐसे क्रोध क्रोधोद्भूतम क्रोध से उत्पन्न क्रोध से भरे हुए दशाननम इस रावण को विलोक देख करके दृष्टवा वानरा के वानरा नाम के सैन्य इन वानरों की सेना में कोपी संभ्रम अजायत कोई संभ्रम कोई घबराहट यहाँ पर हो गई है तो ये अंतिम अंग हो गया इस गर्व समझ का विद्रव नामक ये अंग पूरे हो गए इनको आप लोग पढ़ेंगे तैयार करेंगे धन्यवाद